देखो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमने तीन तरीके निकाले जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को निकाला जा सकता है। वो उन तीन मेथड्स में पहला मेथड क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। दूसरा मेथड था माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और तीसरा मेथड क्या था, फाइंडिंग पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो इन तीन तरीकों को कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल से बताया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम किए, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, आज हम यहाँ से करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, और ये सॉल्यूशन गलत है, इसका अपना आंसर निकालें क्या होगा, एक बार चेक करें प्लीज़। करें स्टार्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं एक मेथड यूज़ करूं तो आपको ये बताना है क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। मैंने इसमें सपोज़ करो 10^-9 कूलम को ए पे लेके आना है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि 10^-9 कूलम पे मैंने इस चार्ज को रखा हुआ है, और मैं वर्क डन निकालने के लिए इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, क्योंकि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजिन कर लिया कि यहीं पे पड़ा हुआ है, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी 1/4πε0 दिस इंटू दिस बाय दिस, ऐसी इन दो की ऐसी इन दो की, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि ये मेथड से आंसर आएगा, सही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो ऐसा क्यों नहीं आएगा। मेथड समझ में आया, तो मैंने 10^-9 को अज्यूम कर लिया यहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की तो वो भी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही तो होता है ना, तो मैंने एनर्जी निकाल दी, उसमें फर्क क्या है, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि नहीं ये ठीक है मेथड चलेगा, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है तो फिर क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, नहीं ऐसा इसमें कोई रूल ही नहीं लगेगा, किसे, हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, तो नहीं हम तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में चार्जेस को लाते हैं इन्फिनिटी से, और अगर हर बार इन्फिनिटी जीरो होगा फिर तो सारे वर्क डन जीरो होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरी बात भी तो ठीक है ना, कि मैं एनर्जी निकाल लूँ या वर्क डन निकाल लूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि एनर्जी की जो डेरिवेशन थी वो निकली तो वर्क डन से ही थी ना, तो फिर गलत कैसे है। हाँ क्योंकि अगर मैं 10^-9 लेता हूँ तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आएगी, और सिस्टम समझते हो, सिस्टम का मतलब तीन चार्जेस को इनिशियली इन्फिनिटी पे मानो, पहले फर्स्ट को रखो उसका वर्क डन, दूसरे को रखो उसका वर्क डन, फिर तीसरे को रखो उसका वर्क डन, तो टोटल वर्क डन टोटल W1 W2 प्लस वो सिस्टम की एनर्जी है। उसने हमसे वर्क डन तीन तीन वर्क डन तो पूछे नहीं, उसने तो एक ही वर्क डन पूछा, बस 10^-9 चार्ज को रखने का वर्क डन पूछा, वो ये अज्यूम कर रहा है कि ये चार्जेस तो ऑलरेडी यहां पर पड़े हुए हैं, तो इसका वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए
आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें। फर्क समझ में आया? क्योंकि अगर आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब आप टोटल वर्क डन निकाल रहे हो तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी पे लाने का, पर उसने तीनों चार्जेस को का वर्क डन नहीं पूछा, उसने सिर्फ एक चार्ज को उठा के वर्क डन पूछा है। तो एक और तरीका है हमारे पास, यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। जो ए पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल लगाएगा कौन? एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। कितना लगाएगा? 1/4πε₀3×10⁻⁹ / 2×10⁻², प्लस ये भी सेम लगाएगा 1/4πε₀3×10⁻²⁹ (2×10⁻²). तो ये पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा? वी ए लगाएगा, और यहां पर चार्ज कितना है? ये चार्ज है। तो वर्क डन की वैल्यू विल बी इक्वल टू चार्ज 10⁻⁹ × पोटेंशियल वी ए। जो भी आंसर आएगा दिस इज द आंसर। आपको मेथड समझ में आया? हमने ये डेरिवेशन के टाइम भी सेम किया था कि आप एक पॉइंट पर चार्ज रख दो, वहां पे पोटेंशियल पड़ा हुआ है, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन? क्लियर है? चार्ज इंटू पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कर लिया था। ओके, इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज की जा रही है जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है, इसको समझें। मान लें आपके पास दो चार्जेस हैं, एक क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज है। क्यू और क्यू चार्ज एक दूसरे के आमने सामने आपने विद वेलोसिटी ऑफ वी फेंक दिए, या आपने काइनेटिक एनर्जी दी, आपने एक दूसरे के सामने फेंक दी। ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और कुछ पॉइंट दूर आके ये रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो ये टच नहीं कर पाएंगे, रिपल्शन की वजह से रुक जाएंगे फॉर एन इंस्टेंट। फिर अलग बात है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि आएंगे, रुकेंगे और चले जाएंगे। तो फॉर एन इंस्टेंट ये यहाँ पर आके रुक गए। इस दूरी को, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये टर्म कहाँ से आई? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई थी तो उसमें आपने सुना होगा गोल्ड फॉयल। ये रहा गोल्ड का न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल कुछ आए पर इसको टच नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ से ये रिपेल हो गए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये रिपेल हो गए। तो कितने डिस्टेंस से रिपेल हुए उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। क्लियर है ये टर्म कैसे यूज होती है? तब आपको इस क्वेश्चन में निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स को फेंका गया और दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड वी, और ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और रुक जाएंगे। तो आर नॉट पे रुक गए। यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें? जब आपने दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड वी, तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या दी? काइनेटिक एनर्जी। अब फोर्स का कॉन्सेप्ट ना लगाएं, अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मूव कर रहे हैं और फाइनली क्या हुआ? ये रुक गए। तो काइनेटिक का क्या होगी दोनों की? जीरो। काइनेटिक जीरो हो गई और इनके बीच में क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε₀Q1Q2R₀, जो भी होगा। तो हुआ क्या इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट लगाएं और आर नॉट निकाल लें, इक्वेट करें काइनेटिक एनर्जीज को। तो क्या करेंगे? इनिशियली जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद भी कौन सी है? हाफ। तो ये इनकी इनिशियल एनर्जीज हैं। तो इनिशियल ये एनर्जी है और ये बहुत दूर है एक दूसरे से। बहुत दूर का मतलब डिस्टेंस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इनकी? जीरो। क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब आर इन्फिनिटी, तो 1/4πε₀Q1Q2∞। 1/∞ क्या होता है? जीरो। तो बहुत दूर में सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है। और जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो काइनेटिक क्या हो गई? जीरो। सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये रही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से आर नॉट निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी पता है, सॉल्व करके आर नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। तो
तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। तो जब भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमेशा आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स की पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो वहां से आर नॉट को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो पॉइंट क्लियर है। आप कहेंगे सर फोर्स क्यों नहीं लगाई, फोर्स में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि फोर्स से कर नहीं सकते, फोर्स से कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो डिस्टेंस कम हो रहा होगा, फोर्स की वैल्यू स्टार्ट्स चेंजिंग, फोर्स चेंज हो गई, वी हैव टू यूज इंटीग्रेशंस। तो कौन करेगा इंटीग्रेशन? सेम प्रॉब्लम, जो काम फोर्स फ्रिक्शन में नॉर्मल लंबे तरीके से करते थे वो वर्क एनर्जी पर छोटे तरीके से करता था। इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल लो, एनर्जी को कंजर्व कर दो आंसर। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए सेम ऐसे ही। तो कुछ कॉन्सेप्ट एनर्जी से सॉल्व हो सकते हैं इजीली, कुछ फोर्स से हो सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किससे सॉल्व होगा? एनर्जी से। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, एक बार प्लीज रीड करें। तो इसके अंदर तीन चार्जेस हैं, ठीक है, तीन चार्जेस जिनकी वैल्यू क्यू, टू क्यू और एट क्यू, ये गिवन है। और कहाँ पर पड़े हुए हैं? प्लेस्ड ऑन 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो 9 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये तीन चार्जेस को रख दिया गया। आगे, फाइंड पोजिशंस वेयर चार्जेस शुड बी प्लेस्ड सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, तो चार्जेस को कहाँ प्लेस करें? दो तो कॉर्नर्स पे रहेंगे, दो चार्जेस तो कॉर्नर्स पे रहेंगे, एक चार्ज 9 सेंटीमीटर पे कहाँ रखें ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाए? मिनिमम। जब भी ऐसी बात करता है ना, मिनिमम मैक्सिमम, तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन तो यूज करेगा, क्योंकि एनर्जी को मिनिमम करना है तो एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेगा और इक्वल टू क्या करेगा? जीरो, अपने आप आंसर आएगा। हमने फोर्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम की थी, पर करने से पहले इनकी जो पोजिशनिंग है ना वो सही नहीं है। चाहे उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि तीन चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे रखने से उनकी एनर्जी कभी भी मिनिमम आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/R। जितना आर कम होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, यही रूल है। हमने एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि एनर्जी क्या आए? मिनिमम। ऐसे ही होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तीन चार्जेस हैं। आप पेयर लोगे, एक पेयर, दो पेयर, फिर तीन पेयर। तीन पेयर में एक पेयर Q × 2Q भी लोगे, दूसरे में 2Q × 8Q भी लोगे, तीसरे में 8Q × Q भी लोगे। इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, डिस्टेंस को तो कर सकते हो। तो आप ये देखो, ये दो बड़े चार्ज हैं और एक छोटा चार्ज है। बड़े बड़े चार्जेस को तो आपने रख दिया पास, डिस्टेंस कर दिया इनका कम, तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो हमें बड़े बड़े चार्जेस को पास रखने की बजाय कहाँ रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए ताकि एनर्जी क्या है? कम। तो पहले इनकी पोजिशनिंग चेंज करो। तो बड़े बड़े चार्जेस को कॉर्नर पर रखो और छोटा चार्ज को कहीं भी बीच में रखो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ताकि बड़े बड़े चार्जेस दूर होंगे, डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा होगा, एनर्जी अपने आप ही कम होके आएगी। क्लियर है यहां तक? तो पहला स्टेप क्लियर है। तो आपने ये 2Q और 8Q को कॉर्नर पे रख दिया, एक चार्ज लिया Q, वो कह रहा है 9 सेंटीमीटर के ऊपर इसको कहां रखें। कहां रखने का मतलब, अगर ये x है तो ये 9 − x है, आपको x बताना है ताकि सिस्टम की एनर्जी पोटेंशियल क्या रहे? मिनिमम। तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो पहले ये बताओ
इस डायग्राम को देखते हुए इसकी एनर्जी होगी क्या? इनकी एनर्जी लेने के लिए आपको पेयर लेने पड़ेंगे तीन। पहला पेयर ऑफ एनर्जी 2q और q के बीच में ये रहा, और क्योंकि 9 सेंटीमीटर था तो x भी किस में चलेगा? सेंटीमीटर में, इसलिए x इंटू 10^-2 किया हुआ है। क्लियर है? और ऐसे ही दूसरा पेयर q और 8q का 9-x सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया। तीसरा पेयर 2q और 8q का और 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ये मेरे पास सिस्टम की क्या आ गई? पोटेंशियल की एनर्जी। कोई डाउट इसमें? अब मुझे ये एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए इन्हें क्या करें? डिफरेंशिएट, और इक्वल टू क्या करें? जीरो, पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करें? जो चीज निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, du/dx इज इक्वल टू जीरो, तो एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वल टू जीरो, ऑटोमेटिकली एक्स आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो भी यू की वैल्यू आपने इसमें निकाली, जो भी आपने यू की वैल्यू इसमें की पूरी निकाली, इस पूरी की पूरी यू की वैल्यू को यहां पर क्या पुट कर देंगे? और इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्लियर है यहां तक? तो एक काम करते हैं, ये मैंने ये देखो पुट किया यहां पर, ये मैंने पूरे का पूरा यू, इस पूरे के पूरे यू की जगह ये पूरी की पूरी टर्म क्या की? पुट की, और इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया। अब रूल क्या बनता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म। जो तीसरी टर्म है उसमें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, सारी टर्म्स ही कांस्टेंट है। और अगर सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? जीरो। तो इसकी डिफरेंशिएशन तो पूरी तरह क्या कर देंगे? जीरो। इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, बची ये दो टर्म्स। इन दो टर्म में से क्यू 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 कॉमन निकाल के जीरो से काट देंगे, गया। 1/4πε0 भी कॉमन निकाल के गया जीरो से। फिर 10^-2, 10^-2 भी गया जीरो से। क्या बच गया आपके पास? एक बच गया 2 और एक बच गया x, एक बच गया 8 और एक बच गया 9-x। ये देखो, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचती है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म में 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x ऊपर चला गया, तो x^-1। फिर ऐसी 8 बाहर आ गया, d/dx ऑफ 9-x ऊपर आ गया, तो raise to power -1। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसमें -1 नीचे, x^-1, -1, -2, ऐसी -1 नीचे, 9-x^-1, -1, -2, और इन टू पावर छोड़ देंगे, तो d/dx ऑफ 9-x एंड में इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन का स्टेप है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन क्लियर है? मेडिकल वाले, मेडिकल अंकित, अनिकेत, नॉन मेडिकल, मैथ के टीचर सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, नहीं आती, कोई इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में कैलकुलस आने वाले आपको सिखा देंगे, कोई इतनी वो नहीं है। और मेडिकल में बहुत ज़्यादा इतनी आती भी नहीं है, इसलिए कोई टेंशन लेने की दोनों तरफ से जरूरत नहीं है। पर मेरा काम है, मुझे बताना है, मेरे को एंड सॉल्यूशन भी बताना है। तो ये स्टेप करके यहाँ पे -8 -8, d/dx ऑफ 9 कॉन्स्टेंट इज 0, और d/dx क्या होता है? 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रादर, यहाँ पर ये देखो ये प्लस हो गया इक्वल टू जीरो। ये पूरी की पूरी टर्म राइट पे जाएगी, तो माइनस 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 अगेन प्लस, तो x^-2, और यहाँ पर क्या बच गया? 9-x^-2, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे x^-2 का मतलब 1/x², और इसकी जगह 1/9-x² अंडर रूट लें, इसे सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को निकालेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर लिख सकते हैं, नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं आएगा।
एक चार्ज नेगेटिव होता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब एनर्जी ले रहे हैं तो एक्स को देखना है आपने, आर को देखना है, उससे कोई फर्क नहीं। Yes, बोलो। आखिरी वाला, ये इसलिए क्योंकि टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस 9 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक्स तो है ही नहीं, वेरिएबल तो एक्स है ना इसमें सिर्फ। ओके, ये एक क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट्स में मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको मान लो ये ई वेक्टर गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, एक्स एक्सिस, और वो चार्ज को 2 मीटर यहाँ पे लेके जा रहा है। अब देखो, चार्ज को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम चार्ज को भी उसी के अलोंग यहाँ से वहाँ उठा दिया, वहाँ से यहाँ उठा दिया, वर्डन पूछ लिया। वो कहता है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज को मूव करवाना ही नहीं है, मेरे को चार्ज को कहाँ मूव करवाना है, यहाँ मूव करवाना है 2 मीटर, विच ये जो डिस्टेंस है इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यानी कि डी आर डिस्प्लेसमेंट में और ई वेक्टर में यहाँ पर एंगल 0 नहीं है, यहाँ पर एंगल कितना है, 60 है। तो फर्क समझ में आ रहा है। तो आपकी चार्ज की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, मैं चार्ज को यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो डी आर यहाँ पर है, ई वेक्टर यहाँ पर है, गिवन है, डायग्राम भी गिवन है। तो एंगल बिटवीन डी आर एंड ई इज 60। आपको वो कह रहा है कि जब मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, डी आर 0.2 कूलम के चार्ज को, तो मैंने इतना वर्क डन किया, 4 जूल का वर्क डन किया। तो अगर मैंने 4 जूल का वर्क डन किया, 0.2 कूलम चार्ज को उठा के 2 मीटर पे लेके जाना है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको बताना है इस केस में ई क्या रहा होगा। देखो, मेरे को अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मुझे ये तो समझ में आता है कि हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलो, मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करना है, पर यह समझ में आता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वैक्टर फॉर्म में अगर बात करते हैं तो एफ वैक्टर डॉट आर वैक्टर। और क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स कहां पर है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स किसकी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहां है, एक्स एक्सिस। तो जिस तरफ ई है उसी तरफ एफ है, क्योंकि ई की डेफिनेशन क्या है, एफ अपॉन क्यू, तो ई और एफ की डायरेक्शन तो सेम है। तो एफ अगर इस तरफ है, आर इस तरफ है, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 60। तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 60। इसे ओपन करेंगे तो एफ इंटू आर इंटू कॉस ऑफ 60। क्लियर है यहाँ तक? और क्योंकि फोर्स किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो एफ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्यूई। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? अब आपको इस क्वेश्चन में वर्क डन गिवन है 4, आपको चार्ज गिवन है 0.2, ई आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको 2 मीटर है, कॉस 60 हाफ है, सॉल्व करके ई कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है। हालांकि आप इसमें एक और भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, वैसे बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर, और वर्क डन को क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। वो बात एक ही है, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बट इसमें थोड़ा ईजी है, तो सिंपल ही सीधा ही वर्क डन का फॉर्मूला लगाया और एफ को क्यू ही पुट कर दिया, एक ही बात है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक, तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। 22 के बाद